जहां लोगों के जहन में बर्ड फ्लू को लेकर खौफ है, वहीं गढ़वा का एक शख्स अपनी जिंदगी ही इन पक्षियों के बीच बिताता है। आइए देखें ये खास रिपोर्ट। गढ़वा ही नहीं बल्कि पूरे देश में बर्ड फ्लू को लेकर हाई अलर्ट है। जगह जगह मृत स्थिति में पाए जा रहे पक्षियों को देखकर लोग दहशत में हैं। लेकिन गढ़वा शहर में तस्वीर इसके विपरीत है। तस्वीरों को देखिए और किस तरह से विभिन्न प्रजातियों के पक्षियां एक शख्स के साथ अटकेलियां ले रही है, मानो जन्मों जन्मों का नाता हो। यह शख्स गढ़वा के एक प्रतिष्ठित व्यवसायी अमित गुप्ता है। अमित पिछले 2 सालों से इन पक्षियों को अपना परिवार मान चुके हैं। कहानी भानी से शुरू हुई और अब रिश्ता ऐसा है कि तोड़े ना टूटे। अमित रोजाना सुबह हजारों पक्षियों के लिए पानी दाने की व्यवस्था करते हैं। इतना ही नहीं, अमित ने पक्षियों के प्रजनन के लिए कई घोंसला भी बनाया है, जहां तोता, मैना, कौआ, गौरैया के साथ कई प्रजाति के पक्षी के साथ साथ बंदर और लंगूर भी पहुंचते हैं। अमित बताते हैं ये सब उनके आदत के अनुसार, जो कभी छूट नहीं सकते। पक्षियों का बुलाने का प्रेरणा, जब ये कभी कभी गर्मी के दिनों में हमारे छत पे आया करते थे, तो हम सामने जैसे बैठे हुए हैं तो देखते थे कि नाली में ये पानी आके पीते थे। तो उस टाइम हमको ये लगा कि जब नाली में ये लोग पानी पीते हैं तो क्यों नहीं इनके लिए पानी का व्यवस्था किया जाए। तो इनके लिए स्पेशल मिट्टी के बर्तन में पानी रखना शुरू किया। पानी रखने के बाद ये संख्या जैसे 2-4 आने लगे। जब 2-4 कंटिन्यू आने लगे तो दाना हम छींटना शुरू किए। दाना छींटना शुरू किए तो धीरे 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 जनसंख्या इन लोगों का बढ़ते चला गया। जनसंख्या बढ़ते चला गया फिर हम कंटिन्यू इन लोग के लिए दाना छींटना शुरू कर दिया, क्योंकि इतना आनंद इसमें आया, इतना सुकून हमको मिला कि जब भी इनको दाना हम खिलाते थे काफ़ी सुकून मिलता है कि कम से कम कुछ अच्छा काम करने का हमको मौका मिला। कितने दिनों से इस तरह का? करीब 2 साल हो चुका है ये, और कंटिन्यू हम करते ही आ रहे हैं और करते आगे भी करते रहेंगे। तो कौन कौन पक्षी आते हैं? पक्षी में कौवा आते हैं, मैना है, छोटी गौरैया भी आती है, और बाकी 6-7 तरह के भी पक्षी आते हैं। सबके नाम तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन देख के काफ़ी आनंद आता है हमको, और ये कंटिन्यू आते ही है। सुबह हम दाना, एक टाइमिंग होता है, कभी कभी हम उठने में लेट कर देते हैं तो ये आके बैठे हुए तार पे पेड़ पर बैठे हुए रहते हैं, इंतज़ार करते हैं मेरा कि कब आएंगे, हम दाना डालेंगे और तुरंत उन लोग दाना खा के चले जाएंगे। और ये कंटिन्यू दिन भर बैठे ही रहते हैं मेरे पेड़ पर, आजू बाजू मंडराना इन लोग का काम है, और काफ़ी अच्छा लगता है। अब तो कुछ घोंसला उसला भी काफ़ी दिनों पहले हम लगा चुके हैं, जिसमें अंडे बच्चे भी देते हैं ये, और काफ़ी संख्या में अब तो कम से कम 100-150 भी आते हैं सुबह सुबह, कभी कभी 200 आ जाते हैं।